Hello friends, today we will study about leadership, its meaning, definition, nature, what are the functions and its characteristics. यानी आज हम पढ़ेंगे नेतृत्व, अर्थ, परिभाषा और नेतृत्व की प्रकृति, किसी नेता के कार्य और उसकी कुछ विशेषताएं. सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ, यानी नेतृत्व. हम यहाँ पर बात नेतृत्व की कर रहे हैं. नेतृत्व का अर्थ क्या होता है? लोगों के समूह या किसी संगठन का नेतृत्व करना या ऐसे करने की क्षमता को नेतृत्व ही कहा जाता है. लेट अस सी इन इंग्लिश. लीडरशिप, द एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन और द एबिलिटी टू डू दिस इज कॉल्ड लीडरशिप. दिस वॉज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप. नाउ लेट्स गो फॉर द डेफिनेशन और इसकी परिभाषा को देखते हैं. नेतृत्व एक प्रकार की व्यवहारिक क्षमता होती है. किसी भी व्यक्ति के अंदर एक क्षमता होती है जो कि व्यवहारिक क्षमता, उसको व्यवहार में लाया जा सके, है वो एक कौशल होता है. नेतृत्व को कौशल कहा जाता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है. यह अनुयायियों यानी फॉलोअर्स के आत्मविश्वास को जगाने और उनको निर्देश देने की मानवीय क्षमता होती है. कई बार नेतृत्व को लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में समूह को प्रभावित करने की क्षमता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है. यानी इस कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, जो नेतृत्व होता है वो कई बार ऐसा होता है कि कोई समूह है, उसका लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसकी तरफ जो अनुयायी होते हैं या उस समूह के सदस्य होते हैं या जो फॉलोअर्स हैं या उस समूह के मेम्बर्स हैं, इन सभी को एक नेतृत्व प्रदान किया जाता है. उनको एक दिशा दी जाती है, एक डायरेक्शन दी जाती है कि हम उस लक्ष्य तक कैसे पहुँचें. ये काम एक नेता बखूबी कर सकता है और उस प्रक्रिया को, इस काम की करने की प्रक्रिया को नेतृत्व कहा जाता है. यही है लीडरशिप. इसको आगे देखते हैं. एक बार कीथ डेविस ने बताया है कि नेतृत्व दूसरों को दृढ़ता से परिभाषित उद्देश्यों को पाने के लिए राजी करने की क्षमता होती है. यहां पर मैं आपको बता दूं परिभाषित उद्देश्य क्या होते हैं. द एम्स, ऑब्जेक्टिव्स विच आर डिफाइंड, प्री डिफाइंड, पहले से जो सेट होते हैं कि हमारे समूह का ये उद्देश्य होगा, हमें इस गोल तक पहुंचना है, उन्हें हम परिभाषित उद्देश्य कहते हैं. यह वह मानवीय कारक है. यानी कि आप देखेंगे कि जो लीडरशिप होती है एक मानव कारक होता है. ये नो, इट्स नॉट ए प्योरली एक्सक्लूसिव टू ह्यूमन. ये जानवर में पाई जाती है लीडरशिप की क्वालिटी, लेकिन ये मानव कारक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. लीडरशिप ये मानवीय कारक है, वो मानवीय कारक है जो एक समूह को एक साथ बांध रखता है और उसे यानी समूह को लक्ष्य के पाने की ओर प्रेरित करता है. समझे आप? तो दिस इज द लीडरशिप. ये एक ह्यूमन फैक्टर है जो कि सारे समूह के सदस्यों को एक साथ बांधे रखता है और उनके उद्देश्यों को पाने के लिए हमेशा उनको प्रेरित करता रहता है, उनको मोटिवेट करता रहता है, इंथुजियास्टिकली उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है. अब देखो आप डेफिनेशन देखेंगे, इंग्लिश में देखते हैं इसकी डेफिनेशन. लेट अस सी व्हाट इज लीडरशिप. लीडरशिप इज अ बिहेवियरल पोटेंशियल. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज अ पोटेंशियल, इट इज एन एबिलिटी एंड अ स्किल. अलोंग विद द एबिलिटी इट इज ऑल्सो स्किल बाय विच एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेज द बिहेवियर ऑफ अदर्स टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स. हियर अदर्स मीन्स द इंडिविजुअल्स हु फॉलोज हिम और हर और अ ग्रुप मेंबर्स और अ सोसाइटी मेंबर्स. दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल, दैट लीडर इन्फ्लुएंसेज द बिहेवियर ऑफ अदर्स. What for? To achieve predefined goals of the group. It is the ability to induce confidence and give direction to followers. The leader has the ability to induce confidence in them, to have enthusiastic, to make them enthusiastic, to influence zeal that they can do it. That is the ability of a leadership, and give direction to followers. It is also defined as the capacity to influence a group towards the realization of its goals or a goal. Which are being really set by the group members or society. A leader or a leadership provides a specific and effective direction to its members so that the group can reach towards that goal with minimum cost. I want to add here is minimum cost. According to Keith Davis, jo Keith Davis batate hain, leadership is the ability to persuade others. Here others means society members, group members or the followers to seek defined objectives enthusiastically. It is the human factor which binds a group together and motivates it towards goals. This means leadership acts as a binding force.
that leader binds, keeps the group binds in a one unit, so that and they can work together to achieve the group goals economically. Now the आप देखते हैं नेतृत्व की प्रकृति. नेतृत्व एक समूह प्रक्रिया होती है, अकेले में नहीं हो सकती. ये मान के आप चलेंगे कि जो नेतृत्व है एक समूह की प्रक्रिया है जिसके तहत नेता उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है, इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट ग्रुप. प्रभाव और संचार यानी इन्फ्लुएंसर कम्युनिकेशन, यानी कि आपका किसी नेता का प्रभाव और उसके संचार करने की एबिलिटी नेतृत्व के केंद्रीय गुण माने जाते हैं. नेतृत्व उन लोगों के साथ, उन लोग मतलब आगे आएगा, के साथ स्पष्ट संबंधों का तात्पर्य है जो किसी नेता के नियंत्रण में रहते हैं. यानी नियंत्रण का मतलब पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं है यहाँ पर, नियंत्रण मतलब वैचारिक कंट्रोल है. ग्रुप में जब मेंबर्स रहते हैं, समूह में रहते हैं, उस समूह का नियंत्रण है. यानी कि किसी नेता का कुछ ना कुछ नियंत्रण है उस समूह पर. यानी कि उन्हीं लोगों के साथ उसके जो संबंध होते हैं बिल्कुल स्पष्ट होते हैं. नेतृत्व कार्य या परिस्थिति संबंधी समस्याओं के लिए समाधान मुहैया कराता है. यानी कि जो नेतृत्व है, नेतृत्व की जो प्रक्रिया है, अगर किसी समूह में कोई सिचुएशनल प्रॉब्लम आती है या फिर कोई ना कोई समस्या जब आती है तो उनके लिए जो समाधान हो सकता है, जो पोटेंशियल रीजन हो सकते हैं, वो मुहैया कराते, अवेलेबल कराते हैं. क्योंकि समूह का नेता आमतौर पर ऐसा व्यक्ति होता है जिसका समूह की गतिविधियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है. यानी कि नेता ऐसा होता है जिसका पूर्ण रूप से उसका इफेक्ट पड़ता रहता है किसके ऊपर, समूह की गतिविधियों पर. अब आगे इसको और देखते हैं. उचित एवं सही नेतृत्व के लिए संस्थागत व्यक्ति यानी इंस्टीट्यूशनल पर्सन, ये किम्बलिंग बताते हैं कि उचित एवं सही नेतृत्व के लिए संस्थागत व्यक्ति को लोगों में दिलचस्पी जगाने और अपनी मर्जी से समूह का गति क्रम निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए. यानी उसी व्यक्ति को हम नेता या नेतृत्व मान सकते हैं, नेता मान सकते हैं जिसके अंदर लोगों के अंदर वो दिलचस्पी जगा दे और अपनी मर्जी से नहीं, मतलब यहाँ पर अपनी मर्जी का मतलब यहाँ पर यह है, कोऑपरेटिव बिहेवियर से समूह की जो गति क्रम है यानी पेस सेट कर दे, वही एक व्यक्ति को हम नेता कह सकते हैं. व्यक्तित्व के तीन, आपने पता होगा 5 बिग पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, उसके जो तीन मेजर कारक हैं, तीन कारक जिसको हम कह सकते हैं बहिर्मुखता, अनुभव के लिए खुलेपन और ईमानदारी, ये तीन पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं व्यक्तित्व के, तीन मुख्य कारक हैं, ये पांच होते हैं. उन पांच में से जो तीन यहाँ पर ये हैं, और कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व में जो सहसंबंध पाया गया है वो पॉजिटिव और गहरा पाया गया है. यानी कि दे आर हाईली कोरिलेटेड, जिसका मतलब ये हो गया कि जो कुशल और प्रभावी नेतृत्व नेता होता है वो नेता, उसके अंदर बहिर्मुखता का गुण होता है, एक्सट्रोवर्शन होता है, वो अनुभव के लिए खुलेपन, वो हमेशा अपने आप को ओपननेस रखता है एक्सपीरियंसिस के लिए, और कंसाइंटनेस यानी कि ईमानदार होता है. अगर उस व्यक्ति के अंदर ये तीन व्यक्तित्व कारक हैं, तीन पर्सनैलिटी फैक्टर हैं किसी में, तो उसके अंदर नेता वो बढ़ा जा सकता है. और के कुशल और प्रभावी नेता के बीच में और इन फैक्टर्स के बीच में एक गहरा सह संबंध है, दे आर कोरिलेट्स. कई बार एक नेता, देखिए, समूह के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता है. यानी अगर वो कोई काम, कोई समस्या उनके साथ आती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके नीचे जिम्मेदारी स्वयं नेता ले लेता है. एक सिद्धांतकार का फर्ज निभाता है और उनके लिए बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हो जाता है. बहुत अच्छी बात है कि कई बार जो नेता है, अगर समूह के सदस्यों के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका दोष अपने सिर मढ़ लेता है और उनको बचाता है और स्वयं बलि का बकरा यानी स्कैप गोटिंग का भी वो काम करता है. इससे संबंधित हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको पीपल्स प्रेजिडेंट कहा जाता है, उनकी बहुत अच्छी एक कहानी है जो कि अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप उसको देख सकते हैं. किस प्रकार जब मिशन, रॉकेट का मिशन उनका फेल हुआ, तो जो उनके सतीश धवन जी उनके चेयरमैन थे, वो जिम्मेदारी उन्हें अपने ऊपर ली. लेकिन जब रॉकेट सफल हुआ, पूर्ण रूप से जब स्थापित हो गया हमारा उपग्रह इंडिया का, तब पूरी जिम्मेदारी सतीश धवन ने, श्री सतीश धवन जी ने डॉक्टर कलाम को दी. तो ये नेतृत्व के गुण उनके अंदर थे, बहुत ही वाज एफिशिएंट लीडर प्रोफेसर सतीश धवन. तो नाउ आगे हम बढ़ते हैं, एक बार इसको इंग्लिश में देखते हैं. नेचर ऑफ लीडरशिप का, लीडरशिप इज ए ग्रुप प्रोसेस वेयर द लीडर इज ए ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव. द सेंट्रल एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप इज influence and communication. These are very important. How that leader influences the group members and how he or she communicates with the group members is very, very important. Leadership implies definite relations with the persons who are under control. Under control means certain conditions, under certain conditions they are under control, and that defines the relationship with them. The leadership offers way out. That is the solution.
to task or situational problems, because a leader is generally a person in the group who has the most influence of on group activities. This way, this is also one of the characteristics of leadership. This means the problem solution, providing a solution of problems and providing a direction and influence to the group members. Now let us see the next slide. To attain true leadership, what Kimberly Young says, that to attain true leadership, man of institutional position must be able to solicit interest, unke andar interest jagana, and to get themselves voluntarily accepted as pace setters. Theek hai, apni marzi se, that group members should voluntarily accept that individual as pace setter, or gati kram ko nirdharit karne wala unko accept karna chahiye. I was talking about five personality traits. Out of that five personality traits, three, what are as extroversion, openness to experiences, and conscientiousness. These positively correlates with effective leadership. This means an leader, effective leader, are found to have the three major personality factors, that are extroversion, they are found to be extroverts, they are open to experiences, and conscientiousness they have. That's why those individuals who have these three factors are not necessarily become a good leader, but good leaders are found to have these three personality factors. Sometimes a leader acts as a surrogate to individual responsibility, idealist, and even made scapegoat. That means taking the responsibility of its group members. Now let us see नेता के प्रमुख कार्य. एक नेता क्या क्या मेजर काम कर सकता है और क्या क्या करता है, ये सारे नहीं है, लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, मैंने कुछ ही लिए हैं. देखिए, सबसे पहले मूल्य, वैल्यूज, मिशन, ग्रुप का मिशन और लक्ष्य को, ग्रुप के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, और जो ग्रुप के जो सदस्य हैं, समूह के सदस्य हैं, उनको बार बार इसका याद दिलाते रहना, उनको बताते रहना, ताकि वो इस लक्ष्य को भूले नहीं. अगला, समूह लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदस्यों को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, उनको अभी प्रेरित करते रहना, उनके जोश बढ़ते रहना. कोई नया अभियान शुरू करना, अगर कोई लक्ष्य हमने पा लिया है कोई समूह का, तो उसके बाद कोई नया अभियान, नई एक्टिविटी को शुरू करना, और सदस्यों को, ग्रुप के सदस्यों को, सोसाइटी के मेंबर्स को या फॉलोअर्स को आदेश देना कि हम उस अभियान की तरफ बढ़ चलें. जैसे आप भारत में कह रहे हैं स्वच्छता अभियान, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से लोगों को आदेश दिया, उनको रिक्वेस्ट किया कि हम इसमें अपने देश को स्वच्छ बनाने में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं. आगे हम दे सकते हैं समूह संबंधित नीतियां बनाना, व्हाट आर द पॉलिसी रिलेटेड टू ग्रुप्स, उन संबंधित नीतियों को बनाना और निर्णय लेना और डिसीजन लेना. ये समूह संबंधित फैसले लेना भी एक किसी एक नेता का प्रमुख कार्य होता है. और अंत में हम देखते हैं सदस्यों के बीच विवाद सुलझाना, यानी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपस में कोई डिबेट होता है, कोई समस्या आती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है सदस्यों के बीच में, तो उसको सुलझाने का काम भी एक नेता ही करता है. इसको लेट अस सी इन इंग्लिश. मेजर फंक्शन ऑफ अ लीडर टू कम्युनिकेट वैल्यूज, मिशन एंड गोल क्लियरली एंड रिपीटेडली टू ग्रुप मेंबर्स, टू मोटिवेट द इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू अचीव ग्रुप गोल्स, इनिशिएट एक्शन एंड गिव ऑर्डर्स, मेक पॉलिसीज एंड डिसीजंस, एंड फाइनली सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स एंड मेक जजमेंट विच आर एक्सेप्टेबल टू ऑल ग्रुप मेंबर्स. और अंत में हम देखते हैं अच्छे नेता की कुछ विशेषताएं. वो जानकार होना चाहिए, पूर्ण रूप से सूचित होना चाहिए, संगठित हो, निष्कपट हो और निडर हो. ये नेता की विशेषताएं होती हैं. व्यक्तियों को, उसके फॉलोअर्स को, उनके अनुयायियों को, उनके काम का सम्मान करने वाला हो. अगर कोई काम करते हैं तो नेता को उनका सम्मान करना चाहिए. समूह के सदस्यों के बीच संतुष्टि की भावना उत्पन्न करने वाला हो, समूह के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने वाला हो, उम्मीदों पर खरा उतरने वाला हो, सुलभ हो, यानी सुलभ का मतलब यहां पर है अगर कोई समूह सदस्य नेता से मिलना चाहे तो आसानी से मिल सकता है, और ईमानदार हो, एक अच्छा श्रोता हो, अनुग्रहकारी हो, ग्रेसफुल हो, जिम्मेदारी से प्राधिकार को निभाना जानता हो, उसको जो जिम्मेदारी मिली है, जो अथॉरिटी मिली है, उसको रिस्पॉन्सिबली उसको निभाना जानता हो. एंड इन लेट अस सी इट इन इंग्लिश. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लीडर इज नॉलेजेबल, इन्फॉर्म, ऑर्गेनाइज, frank and fearless, respect individuals and their work, induces a feeling of satisfaction among group members, promote the interest of group members, predictable, accessible and honest, a good listener, genuine and graceful,
and finally responsibly wields authority. Dear friends, the topic was leadership, meaning, definition, functions and characteristics of a good leader. आज का जो हमारा विषय था उसका हमने पढ़ा नेतृत्व, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उसकी कुछ विशेषताएं. With these I have taken from these references which are mentioned in this slide. If you want to study further, you can refer them. Thank you dear friends. We'll meet you next time. If you have any problem, any issue, any critical comment or any suggestion, you can email me on vermasujit@yahoo.com. Thank you once again.